Hello friend, welcome to our channel Super Tech में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से कोई भी फाइल फॉर्मेट को अलग तरह के फाइल फॉर्मेट में कैसे बदल सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अभी जो कंपनियों के बीच में जो होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे से कौन सबसे अच्छा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, तो एक एक डिवाइस का सॉफ्टवेयर दूसरे डिवाइस का डिवाइस में नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक 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 डिवाइस का फाइल फॉर्मेट दूसरे डिवाइस से अलग होता है, ताकि अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हर कंपनी अपने अपने फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि हमें आम लोग जो यूज़र होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कभी कि एक फाइल सिस्टम को अलग फाइल में किस तरह से बदलना है, तो ये बहुत कभी कभी बहुत परेशानी भी होती है हम सबों को। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें आज वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी फाइल सिस्टम को आप अपने मन मुताबिक किसी भी फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हो। जो भी फाइल फॉर्मेट अभी तक जो कंपनी मतलब कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो आप कोई भी फाइल फॉर्मेट हो उसको किसी भी तरह के फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो लिनक्स का EXT4 फाइल हो, या फिर विंडोज़ का फाइल हो, या मैक का फाइल हो, किसी भी फाइल फॉर्मेट सिस्टम फाइल का फॉर्मेट हो, आप इसको इजी से बदल सकते हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन में एक वेबसाइट खोल कर रखा हूँ। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया कि ये जो कन्वर्सन होगा ये ऑनलाइन ही होगा, आप ऑनलाइन ही कर पाओगे इसको, और ऑफलाइन आप नहीं कर पाते हैं इसका, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑनलाइन कन्वर्सन है। सो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक वेबसाइट खोलना है, इसका नाम है jamar.com JAMZAR.com है। तो इसको जैसे ही हम URL पर टाइप करते हैं तो ये वेबसाइट खुल के आता है। तो खुल के आने के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है कि PDF से आप एक्सेल में किस तरह से बदलना है। तो ये सैम्पल बताया गया है कि इसमें आप PDF से एक्सेल किस तरह से बदल पाओगे। इसमें दोस्त तीन स्टेप होता है। पहला स्टेप है कि आप चूज द PDF फाइल दैट यू वांट टू कन्वर्ट, मतलब जो भी PDF फाइल आप सपोज यहाँ पे एग्जांपल देके बताया है, इसलिए उन्होंने PDF फाइल लिया हुआ है, तो PDF फाइल चूज द PDF फाइल दैट यू वांट टू कन्वर्ट। तो स्टेप जैसे हम PDF फाइल चूज करते हैं अपने कंप्यूटर में और सेलेक्ट करते हैं, और एक्सेल फॉर्मेट को हमें चूज करना पड़ता है जो PDF फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में बदल देगा। जैसे ही ये फाइल jamar.com को इसे होता है वो कन्वर्सन स्टार्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो क्लिक कन्वर्ट टू कन्वर्ट योर PDF, जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं सब लाइव किस तरह से करते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप दिखाया गया है कि ये ब्लू कलर का बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करते ही हमें फाइल सिस्टम जो चूज़ करना है जिसको बदलना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई फाइल सिस्टम चूज करता हूँ, कोई फाइल चूज करता हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पे फाइल चूज किया हूँ, एक PDF फाइल ले लेता हूँ, ओके हाँ ठीक है, ये एक PDF फाइल ले लिया और इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में बदलना है, देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेट है, डॉक फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बदल सकते हैं, सारे फॉर्मेट है यहाँ पे, CSV, डॉक, DOCX, ODT, PPT, PPTX, PS, RTF, TX, ठीक है। इमेज फॉर्मेट भी है, हर तरह के इमेज फॉर्मेट में भी बदल सकते हो आप, ईबुक फॉर्मेट में बदल सकते हैं इसको, कैट फॉर्मेट में बदल सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में, MP3 में बदल सकते हैं, वेब फॉर्मेट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल को हम अलग अलग तरह में बदल दें। सपोज में हमें यहाँ पे इसको बदलना है, टेक्स्ट फाइल में बदलना है, तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट करते ही ये जो फाइल हमने अपलोड किया है जो था PDF फाइल फॉर्मेट में था, इसको टेक्स्ट फाइल में बदल दिया है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं कन्वर्ट में, तो ये अपलोड हो रहा है और ये कन्वर्सन भी हो रहा है साथ ही साथ। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो चुका है तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कन्वर्ट होके आ चुका है डाउनलोड योर कन्वर्टर फाइल। तो जो उन लोगों ने कन्वर्ट कर चुका है इसको डाउनलोड करने के लिए
बता रहे हैं हमें। तो यहाँ डाउनलोड करने से ये हमारा फाइल जो डाउनलोड के लिए आ गया और ये डाउनलोड भी हो चुका है। मैं इसे खोल के देख सकता हूँ, हमारे जो TXT फाइल जो ये कन्वर्ट होकर आ गया TXT फाइल में, ठीक है। TXT फाइल में कन्वर्ट हो चुका है जो PDF फाइल था। सो इजी, ये बहुत ही फास्ट काम करता है। और आपको कभी तो दिक्कत इस तरह का आया होगा तो आएगा तो आप इसको यूज़ करके अपने कोई फाइल सिस्टम कोई फाइल फॉर्मेट को इजी से बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा प्यार कीजिए, और ताकि और भी इस तरह का यूजफुल टिप्स टैग के बारे में यहाँ पे बता सकूँ, ताकि आप सबको सहायता हो सके। धन्यवाद, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।